Classic social and political life book, chapter number 9, urban livelihoods, this is part 2 of this chapter. In our last video, we have studied about the market area where two sisters first went to the dentist clinic and then they went to the showroom. So this showroom, uh, it has ready-made clothes because the trend has changed and people uh, prefer to buy ready-made clothes rather than uh, stretched clothes. So Harpreet and Vandana, they work on shop. During festival times and on Sundays, Harpreet had started working on the shop after completing his college. Only, Vandana is a dress designer. According to her, the business has changed as people love to buy ready-made clothes rather stitching stitched clothes. And uh, now she is telling that from where they buy different stuff for their showroom, they buy different uh, things from different places. And most of the materials from Mumbai, Ahmedabad, Ludhiana, and Tirupura. There are many things, or you can say there are several things that they need to do to run their showroom properly as they have to advertise in various newspapers, cinema theatres, televisions, and radio channels. Currently, the building is on rent, but they are planning to buy it. Uh, ever since this market has become the main market for people living in the surrounding apartments, our business has grown. सो बिकॉज द पीपल इन द सराउंडिंग एरियाज़ वो सब इसी मार्केट से सामान परचेज करते हैं सो इट हेल्प्ड देयर बिजनेस टू ड्रो सो हरप्रीत और वंदना की तरह ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शॉप्स को रन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स में मोस्ट बिजनेस पर्सनस मैनेज देयर ओन शॉप्स और बिजनेस दैट मीन्स दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाई एनी वन वो किसी के यहाँ काम नहीं करते हैं दे आर सेल्फ़ एम्प्लॉयड बट दे डू एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ अदर वर्कर्स एड सुपरवाइजर्स एंड हेल्पर्स पर वो और लोगों को एम्प्लॉय करते हैं दैट मीन्स वो अपने पास और लोगों को जॉब पर रखते हैं दीज आर परमानेंट शॉब्स दैट आर गिवन अ लाइसेंस टू डू बिजनेस बाय द मुनिसिपल कॉरपोरेशन द मु्यसिपल कॉरपोरेन ऑल्सो डिसाइड्स ऑन विच डे ऑफ द वीक द मार्केट हैज़ टू रिमेन क्लोज्ड सो वॉट वी हैव अंडरस्टूड आफ्टर रीडिंग दिस पर्टिकुलर स्टोरी ऑफ हर प्रीत एंड वंदना हु आर द बिजनेस पर्सनस सो हमने uh, समझा कि जो स्ट्रीट पर लोग काम कर रहे थे जो वेंडर्स थे हॉकर्स थे उनकी जो शॉप्स थी या जो उनके स्टॉल थे वो पर्मानेंट नहीं थे दे कैन बी आज टू डिसमेंटल दैम एट एनी टाइम बाय द पुलिस पर इन लोगों की जो शॉप्स है जो बिजनेस पर्सन की शॉप है मार्केट एरिया में दे आर परमानेंट इवन दे हैव अ लाइसेंस टू रन देअर बिजनेस so uh, to understand the lives of other people or to understand how other people work for their earning or to earn their livelihood let us just move to the another topic that is in the factory workshop area so let us just continue with the story i wanted to have a zari work done on one of my dresses which i needed for a special occasion my cousin said that she knew nirmala who works in a garment factory nirmala's neighbor do zari work and embroidery

उसके नेबर को जरी वो कहता है तो इसलिए वो निर्मला से मिलने जा रहे हैं सो फॉर दैट दे कॉट अ बस एंड दे गेट ऑफ एट अ क्रॉसिंग देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल सिटिंग ऑन रेलिंग्स और इन ग्रुप्स एट द क्रॉसिंग क्रॉसिंग पर बहुत सारे लोग ग्रुप्स में खड़े थे कुछ लोग बैठे हुए थे दे सीम्ड टू बी वेटिंग फॉर सम वन वो ऐसा लग रहा था वो किसी का इंतजार कर रहे हैं सम ग्रुप्स हैड पीपल ऑन स्कूटर्स स्टैंडिंग बाय एंड टॉकिंग विद देम माई कजन एक्सप्लेन दैट दिस प्लेस वॉज कॉल्ड लेबर चॉक तो मेरी कज़न ने मुझे बताया कि इसको हम लेबर चॉक कहते हैं दीज व डेली वेज लेबरर्स हु वर्क एज हेल्पर्स टू मेसॉन्स तो वो डेली वेज लेबरर्स हैं जो कि यहाँ पर रोज आते हैं एंड दे वेट फॉर समू टेक दैम और वो मेसॉन्स uh, के साथ वर्क करते हैं एज अ हेल्पर दे डिग आउट एट कंस्ट्रक्शन साइट कंस्ट्रक्शन साइट्स पर वो काम करते हैं दे लिफ्ट लोड्स एंड अनलोड ट्रकस इन द मार्केट डिग पाइपलाइंस एंड टेलीफोन केबल्स एंड ऑल्सो बिल्ड रोड सो दीज आर समर्स दैट आर डन बाय द कैजल वर्कर्स वी एंटर द फैक्ट्री एरिया टू फाइंड इट फुल ऑफ स्मॉल वर्कशॉप्स और इसी के साथ उन्होंने फैक्ट्री एरिया में एंटर किया जहाँ पर निर्मला काम करती है शी वर्क एज अ टेलर इन द एक्सपोर्ट गार्मेंट यूनिट और फैक्ट्री जो है वो समर क्लोथ्स बनाती है फॉरेन कंट्रीज़ के लिए जैसे कि यू एस जर्मनी एंड नीदरलैंड्स शी हैज़ टू वर्क फॉर वेरी लॉन्ग आवर्स इन द मंथ्स फ्रॉम दिसंबर टू अप्रैल अ नॉर्मल वर्किंग डे बिगिन एट नाइन ए एम एंड फिनिश ओनली बाई टेन पी एम समटाइम्स इवन लेटर शी वर्क फॉर सिक्स डेज इन अ वीक एंड शी गॉट एटी रुपीज़ अ डे फॉर एट आवर्स एंड रुपीज़ फोर्टी एक्स्ट्रा फॉर वर्किंग लेट सो बाई जून द वर्क इज़ ओवर एंड द फैक्ट्री रिड्यूज इट्स स्टाफ़ निर्मला विल ऑल्सो बी आज टू लीव निर्मला को भी जाने के लिए कहा जाएगा क्योंकि काम खत्म हो गया है तो वो अपना स्टाफ रिड्यूज़ करते हैं मोस्ट वर्कर्स लाइक निर्मला आर एम्प्लॉयड ऑन वॉट इज नोन एज कैजअल बेस तो कैजुअल बेसिस पर काम करना होता है भैन वो फैक्ट्री नीड्स तो वो आपको बुलाती है एंड वह वो फैक्ट्री डजन नीड्स तो वो आपको वहाँ से निकाल देती है और दे आस्ट यू टू लीव जॉब्स लाइक निर्मलाज़ आर नॉट परमानेंट इफ़ वर्कर्स कंप्लेन अबाउट देयर पे और वर्किंग कंडीशन दे आर आज टू लिव जैसे ही जो आप निर्मला कर रही थी दे आर नॉट परमानेंट अगर आप उनसे कोई भी बात करते हो और अपनी पे के बारे में कोई भी कंप्लेन करते हो तो वो सिर्फ आपको जानने के लिए वहाँ से कह देते हैं देर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन इफ़ देर इज़ इल ट्रीटमेंट तो वॉट वी हैव अंडरस्टूड फ्राम दिस स्टोरी इज दैट द पीपल हु वर्किंग एज अ केजुअल Workers or casual laborers, they do not have any job security, they do not have any protection. In contrast to this, let us read the next story in the office area. So, this story is of Sudha, and she works as a marketing manager in the company which manufactures biscuits. Her work is to supervise 50 salespersons who travel to different parts of the city. They get orders from shopkeepers and collect payments from them. So, what is the difference between Nirmala's work and Sudha's work? Nirmala was also a worker in the garment factory, but she did not have any permanent job, or she did not have any permanent pay. But at the same time, Sudha she has a permanent job, and she get a regular salary every month, and she also expect her job to continue for a long period of time. So being a permanent worker she also gets other benefits such as savings for old age and she get holidays also she also get medical facilities for her family at the end of the chapter we came to know how different people work to earn their livelihood every person has their own struggles and challenges that they have to face in doing work but this all makes up the city life i hope the chapter is clear thank you and have a nice day